सजा भी मेहर है। समझती है हमारी बनाई हुई लड़की असरा से कुल सनोवर की दास्तान उगलवाने की। नहीं जानती ना, नहीं जानती कि खुद उसकी मौत उसके कितने करीब आ चुकी है, कितने करीब। कोई नहीं जानता जादूगर आमरी के दिल का राज, कोई नहीं जानता, कोई नहीं। जादूगर आमरी, जादूगर आमरी, हम लोग आप ही से मिलने के लिए आए हैं। ये वक्त जादूगर आमरी से मिलने का नहीं है, जाओ, चले जाओ यहाँ से। नहीं जादूगर आमरी, इस वक्त हमारा आपसे मिलना बेहद जरूरी है, और आपके अलावा इस वक्त ऐसा कोई शख्स नहीं है जो हमारी फरियाद सुन सके। फरियाद? कैसी फरियाद? कौन हो तुम लोग और कहां से आए हो? हम लोग कोएकाफ के बाशिंदे हैं जादूगर आमरी, और सनोबर के खास दरबारी। सनोबर के खास दरबारी? हाँ जादूगर आमरी। तो फिर आमरी के पास आने का मकसद? तुर्किस्तान जाने का रास्ता जानना चाहते हैं। क्या, तुर्किस्तान का रास्ता? हाँ जादूगर आमरी, हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है। क्या कहा? वहां जाओगे तुम लोग जहां हर लम्हा मौत मस्ती है, जहां हर वक्त आसमान में कफन मुड़ता नजर आता है। नहीं, बदल दो अपना इरादा। हमारे साथियों की जिंदगी को खतरा है वहां, और उनको बचाना बेहद जरूरी आमरी। नहीं, उसे कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं। लेकिन अगर तुम तुर्किस्तान गए और किसी को मालूम हो गया तो तुम कोकाफ से हो, तो सुनना नहीं बचोगे, नहीं बचोगे। आप भी तो वहां से लौटकर आए हैं जादूगर आमरी। बेवकूफ, जादूगर आमरी है, वो कहीं भी जा सकता है और कुछ भी कर सकता है। और फिर वहां किसी को ये पता भी नहीं था कि मैं कोकाफ का बाशिंदा हूं। आप कोकाफ के हैं, ये वहां कोई नहीं जानता? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं वहां यमन का जादूगर बनकर गया था। यमन का जादूगर अजरा को जिंदा करने। अजरा को जिंदा करने के लिए? तो क्या अजरा जिंदा हो गई? हाँ, वो जिंदा हो गई, और वो इसलिए कि जादूगर आमरी के जादू ने तुर्किस्तान की नगरी में अजरा को जिंदा कर दिया। हसन शाह, कौन है ये लड़की जिसे तुम लेकर आए हो मेरे पास? जादूगर आमरी, ये वही लड़की है जिसे शहजादी महरंगेज ने आपकी खिदमत में पेश किया है। जादूगर आमरी, हम इस लड़की को आपके हवाले करने आए हैं। तो ये है वो लड़की जिसे जादूगर आमरी अजरा की शक्ल में तब्दील करके अजरा को जिंदा करेगा। जरूर करेगा। लड़की,
हमारे सामने आओ, एकदम सामने। अल्लाह, तेरा नाम क्या है लड़की? साम्या। कहाँ की रहने वाली है? तुर्किस्तान। बादशाह कौन है? केमुशा, और हमारी शहजादी महर अंगेज है। साम्या, जादूगर आमरी की आंखों में झांक कर देख। और गौर से देख, और गौर से देख। अब अपनी आंखें बंद कर ले। लड़की। हाँ जादूगर आमरी। अब बता लड़की, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अजरा है। तुझे किसने कत्ल किया? अपने ही खंजर से खुदकुशी की थी मैंने। खुदकुशी का सबब? महरंगेज। कहाँ की रहने वाली है? वतन कौन सा है? कोहकाफ की रहने वाली हूँ। कोहकाफ मेरा वतन है। तेरी शहजादी? गुल। तेरा बादशाह? सनोबर। सुनो जी, ले जाओ उस लड़की को और अजरा की लाश के साथ हमारे इबादत खाने में पहुंचा दो। याद रहे, इस बीच कोई इंसानी नजर इसे देखने न पाए। ले जाओ। चलिए, आपको हमारे साथ चलना है। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? हमने उस लड़की की न सिर्फ शक्ल तब्दील की बल्कि उसके दिमाग को भी बदल कर रख दिया। तो क्या अजरा भी जिहाक के साथ कैद है? नहीं, वो जिहाक के साथ कैद नहीं है, आराम से महल में घूम रही है क्योंकि उसे शहजादी ने पूरी आजादी दे रखी है। मगर तुम लोग वहां क्यों जाना चाहते हो? कोहकाफ के बाशिंदों को आजाद कराने के लिए। कौन? जिहाक और जरीन? उन दोनों के अलावा भी हमारा एक साथी मेरंगेज के कैद में है और उसी को आजाद कराने के लिए हम तुर्किस्तान जाना चाहते हैं। और अगर हम उसे आजाद नहीं करा सके तो चंगेज हम सबका कत्ल कर डालेंगे। फिर कौन है वो जो मेरंगेज की कैद में पहुंच गया? जरशाम। जरशाम? हाँ जादूगर आमरी, वो शख्स चंगेज के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए हम तुर्किस्तान जाना चाहते हैं। वो शख्स मेहरंगेज के हाथों गिरफ्तार कैसे हुआ? दरअसल वो जिहाक और जरीन को आजाद कराने के लिए गया था और उसको वहां इसलिए भेजा गया था क्योंकि वो तुर्किस्तान जाने का रास्ता अच्छी तरह से जानता था। मगर बदकिस्मती कि वो वहां जाते ही गिरफ्तार हो गया। यानी उसकी रिहाई तुम लोगों की जिंदगी है, क्योंकि अगर दरशाम मारा गया तो सरोवर तुम्हें कत्ल कर देगा। सरोवर तो हमें एक बार, अगर चंगेज हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। घबराओ नहीं, जादूगर आमरी तुम्हारे साथ है। मैं बताऊंगा तुम्हें वहां जाने का रास्ता। शुक्रिया आमरी, शुक्रिया। मगर एक बात याद रखो, अगर तुम लोग वहां अकेले जाओगे तो तुम्हारे पकड़े जाने का पूरा खतरा है, इसलिए तुम्हें वहां एक लड़की को लेकर जाना होगा। लड़की? हाँ,
सिर्फ वही लड़की कोहे काफ के बाशिंदों को आजाद करा सकती है। जल्दी बताइए वो लड़की कौन है? ज़ीनत। ज़ीनत? हाँ, वही लड़की। वही लड़की अज़रा की खास सहेली है और सिर्फ वही सबको बचा सकती है। किसी भी तरह उसे तुर्किस्तान अज़रा के पास लेकर जाना होगा। लेकिन वो अज़रा ज़ीनत को पहचानेगी कैसे? जरूर पहचानेगी। अगर तुम लोग अपने साथ ज़ीनत को तुर्किस्तान ले जाने में कामयाब हो गए तो वहां से सब लोगों को वापस लाने में भी जरूर कामयाब होंगे। हम आज ही ज़ीनत से मिलकर उसे तुर्किस्तान ले जाने के लिए तैयार कर लेंगे आमरी। हरगिज नहीं, मैं आप लोगों के साथ तुर्किस्तान नहीं जा सकती। नहीं ज़ीनत, इनकार मत करो। हम बड़ी उम्मीद से तुम्हारे पास आए हैं। ज़ीनत हमारे हम वतन मेहरंगेज की कैद में है। उन्हें बचाना जहां हमारा फर्ज है, तुम्हारा भी फर्ज है। और अगर उन्हें कहीं कत्ल कर दिया गया तो उनका खून हमारी गर्दन पर होगा और उनके खून के छींटे तुम्हारे दामन पर। इससे पहले उनके खून के छींटों से तुम्हारा दामन दागदार हो जाए, उनको बचाने के लिए तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। नहीं तो हम लोग उनके कातिल कहलाएंगे। अगर उन्हें बचाने के लिए मैं कत्ल कर दी गई तो क्या होगा? मैं आप लोगों के साथ एक खतरनाक खेल में शामिल नहीं हो सकती। ये खतरनाक खेल नहीं है, हमारा फर्ज है ज़ीनत। वो एक आप की आबरू का सवाल है, हमें तुर्किस्तान जाना ही पड़ेगा। मैं सनोबर की कसम। मत दिलाओ मुझे सनोबर की कसम। क्या उसकी वजह से हम बेगुनाहों की दुनिया नहीं लूट ली गई? हमने तो उसे खुदा समझ के उसकी इबादत की थी। क्या सिला मिला उस इबादत का? ये वक्त गीले शिकवे का नहीं है ज़ीनत। ज़ीनत, हमें जादूगर आमरी ने तुम्हारे पास भेजा, इसलिए हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। और आमरी पूरे भरोसे के साथ हमसे कहा है कि ज़ीनत सिर्फ तुम ही उनको काफी बाशिंदों को बेरंगेज के कैसे छुड़ा सकती है, वरना कोई नहीं। अपने सारे खानदान में सिर्फ मैं ही तन्हा बची हूँ। आप लोग चाहते हैं मैं तुर्किस्तान जाकर अपनी भी जान गवा दूं? खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। हो सकता है तुर्किस्तान पहुंचने के बाद वहां तुम्हें कोई अपना मिल जाए। अब कोई नहीं अपना सारे जहान में, सब कुछ वक्त के शोलों में जलकर राख हो गया। नहीं ज़ीनत, नहीं, यह तुम्हारी गलत फहमी है। अब भी बहुत कुछ बचा है और हो सकता है उसे पाकर तुम्हें बहुत खुशी मिले। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं अज़रा की बात कर रहा हूँ ज़ीनत। अज़रा? पर वो तो उसी दौरान में मर गई थी जब सनोबर के आदमियों ने उसके घर पर हमला किया था। नहीं, वो जिंदा बच गई थी और इस वक्त वो तुर्किस्तान में मेहरंगेज के कैद में। अगर तुम चाहो तो ज़ीनत वो बच सकती। क्या अज़रा जिंदा है? हाँ अज़रा जिंदा है ज़ीनत, और इस वक्त मेहरंगेज की कैद में है। हम सब लोग उसी को बचाने के लिए तुर्किस्तान जाना चाहते हैं। अगर अज़रा जिंदा है तो मैं तुर्किस्तान तो क्या, पाकिस्तान तक जाऊंगी। तो बस ज़ीनत, तुम सफर की तैयारी शुरू कर दो। हो सकता है मैं कल ही तुर्किस्तान के लिए रवाना होना पड़े। वही वक्तिप्राण वही हुआ जिस बात का हमें अंदाजा था। क्या हुआ शहजादी? वो पांच कोहे काफी तुर्किस्तान की तरफ निकल चुके हैं। कोहे काफी? हाँ, वो पांच कोहे काफी। आज ही हमारे मुखबिर ने हमें ये खबर दी है कि वो पांच कोहे काफी हमारी महल की तरफ आ रहे हैं। लेकिन उनके यहाँ आने का मकसद क्या हो सकता है? वो किसी भी चालाकी से हमारे उन कोहे काफी कैदियों को हमारी कैद से आजाद कराने आ रहे हैं। यानी ज़िहाक, ज़रीन, अज़रा और ज़रशाम को? हाँ, वो इसी इरादे से यहाँ आ रहे हैं। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि उनके यहाँ आने की खबर हमें पहले से ही मिल चुकी है। ये आने वाले कहीं ज़रशाम के खानदानी तो नहीं? नहीं, वो सनोबर के खास आदमी है, लेकिन वो हमारे लिए इतने जरूरी नहीं है। हाँ, एक लड़की है जो हमारे लिए बहुत जरूरी बन सकती है। लड़की? हाँ, एक कोहे काफी लड़की जिसे वो अपने साथ लेकर आ रहे हैं। एक लड़की को अपने साथ लाने का मकसद क्या हो सकता है? कौन है वो लड़की? वो लड़की दरअसल उसी कबीले की है जिसे सनोबर के चाहने वालों ने कत्ल कर डाला, लेकिन वो किसी भी तरह बच गई और वो यहाँ अज़रा के लिए आ रही है। अज़रा के लिए? क्या वो लोग ये नहीं जानते कि अज़रा मर चुकी है? नहीं, वो लड़की नहीं जानती कि अज़रा मर चुकी है और वो यहाँ अज़रा से मिलने के लिए आ रही है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, उन्हें आने दीजिए शहजादी। उन्हें यहाँ नकली अज़रा के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। वो जिसे अज़रा समझते हैं वो तो हमारी सामिया है जिसे यमन के जादूगर आमरी ने अज़रा के रूप में तब्दील कर दिया था। उस मक्कार को यमन का जादूगर मत कहो, धोखेबाज था वो। धोखेबाज?
मैं कुछ समझा नहीं, जवान का जादूगर धोखेबाज कैसे हो सकता है? हाँ, वो धोखेबाज था, फरेब देकर गया था वो हमें। लेकिन उसने तो अजरा को आपके सामने हू बहू खड़ा कर दिया था, फिर फरेब कैसा? फरेब ये दिया है उसने कि वो यमन का नहीं कोहे काफ का जादूगर था। कोहे काफ का जादूगर? यानी यमन का वो आमरी दरअसल कोहे काफ का था? हाँ, वो कोहे काफ का रहने वाला था और किसी गहरी साजिश के तहत वो उस लड़की को अजरा के रूप में बदल कर गया है। अगर हमें उस पर जरा सा भी शक हो जाता तो गर्दन उड़वा देते हम उस जादूगर आमरी की। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अजरा को बदलने के पीछे राज क्या हो सकता है। राज है जिब्रान, और राज का पर्दा उस वक्त फाश होगा जब कोहे काफ से आने वाली वो लड़की हमारे हाथ लग जाए। उन्हें आने दीजिए शहजादी आलम, वो हमारे हाथों से बचकर कहीं नहीं जा सकेंगे। अच्छा हुआ कि हमारे खिलाफ की गई साजिश की खबर हमें वक्त से पहले मिल गई, वरना दुश्मन तो हमारी गर्दन पे वार करके निकल ही जाता। इसका मतलब है कि अब हमें अजरा पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। अब उस लड़की पर कड़ी नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा यही होगा कि उसे नजर बंद कर दिया जाए, वरना मुमकिन है कि वो किसी भी मोड़ पर हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। उस लड़की के खतरनाक साबित होने से पहले उसकी परवास काट दी जाएगी शहजादी आलम। हमने उस लड़की को हमारे महल में घूमने फिरने की जो आजादी दी थी उस पर पाबंदी लगा दी जाए, और जिब्रान यहाँ से एक बड़ा फौजी दस्ता लेकर तुर्किस्तान की सरहद पर पहुँच जाओ। जैसे ही दुश्मन अपना कदम तुर्किस्तान की सरहद पर रखे उसे गिरफ्तार कर लिया जाए।